गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है लोकस्ट अटैक। सो आप लोगों ने न्यूज़ में शायद सुन लिया होगा कि रीसेंट कुछ डेज़ में कि लोकस्ट जो हैं, जो पाकिस्तान के रास्ते हमारे इंडिया में एंटर किए, राजस्थान में पहले आए एंड उसके बाद वो नॉर्दर्न और वेस्टर्न जो भी स्टेट्स हैं इंडिया के, दैट राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा एंड पंजाब ऑल्सो, दे आर करेंटली बींग एक्टिव इन दीज स्टेट्स एंड राजस्थान इज़ द करेंटली द वर्स्ट अफेक्टेड स्टेट इन इंडिया। सो राजस्थान में ऑलमोस्ट 90,000 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया जो है वो इफेक्ट हो चुका है। जयपुर में इवन रेजिडेंशियल एरिया में भी ये लोकस्ट एंटर कर चुके हैं। तो यूनियन मिनिस्ट्री के हिसाब से 90,000 स्क्वायर किलोमीटर हैव बीन अफेक्टेड इन राजस्थान ओनली। In February, the Food and Agriculture Organization had issued a warning that twin invasion of desert locust coming to India starting May. So this year there is a twin danger of swarm invasion from Iran as well as from the Horn of Africa. So एक locust आए किधर से हमारे इंडिया में, तो ये जो है ये Horn of Africa है। Horn of Africa में वो countries हैं, ये seed countries आती हैं। Seed countries are Somalia, इरिट्रिया, इथोपिया एंड जिबौती। तो ये जो कंट्रीज़ हैं यहाँ पे इनका सोर्स ग्राउंड है, जहाँ पे डेजर्ट एरियाज़ हैं। डेजर्ट लोकस्ट जो नाम से ही डेजर्ट, सेमी एरिड और एरिड एरियाज में पाए जाते हैं, तो वो यहाँ पे होते हैं। वो यहाँ से यमन के रास्ते और सऊदी अरेबिया और ओमान के रास्ते ईरान में एंटर किए और ईरान और पाकिस्तान में इन्हें सेकेंड ब्रीडिंग ग्राउंड मिल गया और जहाँ से फिर वो इंडिया में एंटर कर चुके हैं। तो डेजर्ट लोकस्ट नॉर्मली स्वाम वेस्टर्न राजस्थान एंड नॉर्दर्न गुजरात ड्यूरिंग द समर। सो ऐसा नहीं है कि ये पहली दफ़ा है जो इंडिया में आ रहे हैं, पर जनरली हर साल ही, इनफैक्ट पिछले साल गुजरात में करीब करीब 25,000 स्क्वायर किलोमीटर का जो 25,000 हेक्टेयर एरिया जो था वो इफेक्ट हुआ था बिकॉज ऑफ दीज लोकस्ट अटैक। बट इस साल जनरली क्या होता है, जून से नवंबर के महीने में आते हैं जब मॉनसून सीजन होता है इंडिया में, बट इस साल वो अप्रैल में ही आ गए। इसके कुछ रीज़न हैं जो हम आगे चल के डिस्कस करने वाले हैं। अब सबसे पहले जान लेते हैं कि डेजर्ट लोकस्ट होते क्या हैं। पहले तो हम इनकी एनाटॉमी और इनकी फिजियोलॉजी के बारे में जानते हैं। तो ये लोकस्ट जो हैं, दे आर वन ऑफ द डजन स्पीशीज ऑफ ग्रास हॉपर। तो ये ग्रास हॉपर टाइप के से रिलेटेड हैं और इनका जो क्लासिफिकेशन है, दे बिलोंग टू द फाइलम ऑर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर ऑर्थोप्टेरा एंड जेनस सिस्टोसर्का एंड दे आर स्पीशीज का नाम है ग्रिगेरिया। सो फ्रॉम द नेम यू कैन अंडरस्टैंड दैट हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम ग्रास ऑपर्स। सो दे फॉर्म, इनके लाइफ साइकिल में एक सॉलिटरी फेज होता है, एक ग्रिगेरियस फेज होता है। ग्रिगेरियस मतलब जब वो झुंड में रहते हैं। तो इनका स्पीशीज का नाम एस ग्रिगेरिया है। नाउ ये इतने डिवेस्टेटिंग कैसे हो गए? ये आधे इंच से लेके 3 इंच के इंसेक्ट्स जो हैं, ये हमारे लिए इतने ज़्यादा डिवेस्टेटिंग कैसे हो गए कि आज पूरा, इनफैक्ट 25 कंट्रीज़ जो साउथ एशिया, मिडल ईस्ट और अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, वो इस तबाही से बहुत परेशानी में हैं और वो लोग इतना, मतलब जो भी उनकी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स है, वो इसके खिलाफ बहुत अच्छे लेवल पे वर्क कर रहे हैं। जो इंटरनेशनल एजेंसीज भी हैं, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक वगैरह, वो इसमें लगी हुई है तबाही को रोकने में। तो क्यों ये इतना डिवास्टेटिंग हो गया? क्योंकि ये जो होते हैं ये स्वैम्स में ट्रेवल करते हैं और 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में ये 4 से 8 करोड़ तक के स्वैम्स जो हैं वो लोकस जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं। और इनके खाने की क्षमता जो होती है वो एक दिन में वो अपने वेट जितना ही खा सकते हैं और इनके उड़ने की क्षमता भी बहुत ज़्यादा है। वो हर घंटे 15 से 20 किलोमीटर पर आर के स्पीड से वो 150 किलोमीटर कवर कर सकते हैं। इनका एवरेज लाइफ स्पैन जो है वो 90 डेज का होता है और इन 90 दिनों में वो 150 किलोमीटर कवर कर सकते हैं। और इस 150 किलोमीटर के दायरे में वो 35,000 लोगों का खाना खा सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं।
तो आप समझ रहे हैं कि इनका जो एक एक अगर लोकस का इतनी क्षमता है तो कितनी बड़ी तबाही वो ला सकते हैं, कितना ज़्यादा क्रॉप डैमेज कर सकते हैं वो। इसलिए सारे जो अथॉरिटीज़ हैं वो इस अटैक को मिनिमाइज करने के मतलब होड़ में लगी हुई हैं। सो ये जो लोकस्ट हैं दे आर रिलेटेड टू ग्रास हॉपर्स एंड दे फॉर्म इनॉर्मस स्वार्म्स दैट इज स्प्रेड अक्रॉस रीजन्स डिवोरिंग क्रॉप्स एंड लीविंग सीरियस एग्रीकल्चर डैमेज। सो ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है, ये सेंचुरीज से होता चला आ रहा है। इनफैक्ट जब फेरो रूल किया करते थे इजिप्ट में तब भी बहुत ज़्यादा प्लेग जैसी कंडीशन बन गई थी और ये इन लोकस की वजह से बनी थी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि वाई दे अटैक इन ग्रुप इफ दे हैव अ सॉलिटरी फेस इन देयर लाइफ साइकिल वाई दे बिकम ग्रिगेरियस। सो यहाँ पे क्या है कि इसका एक रीज़न है, जब भी ड्राई स्पेल होता है मतलब किसी एक एरिया में जहाँ पे ये सेमी एरिड और एरिड एरियाज में पाए जाते हैं, तो जब ड्राई स्पेल होता है जब वहाँ पे बारिश नहीं होती है और खाने की कमी हो जाती है जिसकी वजह से वेजिटेशन कम हो जाता है, तो ओएसएस जैसे एरियाज जो होते हैं जहाँ पे कुछ वेजिटेशन पाया जाता है वहाँ ये लोकस्ट इकट्ठा होने लगते हैं। और जब ये इकट्ठा होना शुरू होते हैं तो क्या होता है, इनमें मूवमेंट शुरू हो जाती है और इनका जो टैक्टाइल स्टिमुलेशन शुरू हो जाता है हाइंड लेग्स का, और इसकी वजह से सेरोटोनिन जो हार्मोन है वो रिलीज होना शुरू हो जाता है। एंड दिस सेरोटोनिन हार्मोन इज गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन देयर लाइफ साइकिल टू बिकम ग्रिगेरियस। सो व्हाट दिस हार्मोन डज, दिस हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन द एपेटाइट ऑफ द लोकस्ट, तो उनकी भूख बढ़ जाती है, खाने की क्षमता बढ़ जाती है, और इसके साथ साथ सोशल बिहेवियर जो है इनका, ओवरक्राउडिंग, ये जो सोशल बिहेवियर जो हो रहा है इनका, जो ये झुंड में रहना पसंद कर रहे हैं और ये काफ़ी क्राउड में रह रहे हैं, इसका रीज़न है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन हार्मोन के वजह से, इनफैक्ट सेरोटोनिन हार्मोन जो है वो हर एक ऑर्गेनिज्म में इंक्लूडिंग ह्यूमंस दे कॉज सोशल बिहेवियर, दे एनहांसेस द सोशल बिहेवियर इन ऑर्गेनिजम्स। सो कुछ लोग सोशली ज़्यादा एक्टिव होते हैं, कुछ लोग सोशली कम एक्टिव होते हैं, तो ये दिस इज बिकॉज ऑफ द सेरोटोनिन हार्मोन। सो दिस इज हैपनिंग इन द लोकस्ट ऑल्सो, द स्वैमिंग बिहेवियर इज अ रिस्पॉन्स टू द ओवरक्राउडिंग। सो ओवरक्राउडिंग की वजह से उनमें टैक्टाइल स्टिमुलेशन हो रहा है हाइंड लिंग्स का, और उसकी वजह से हाइंड लेग्स का सॉरी, और उसकी वजह से और सेरोटोनिन रिलीज हो रही है, तो ये साइकिल चली जा रही है और वो ओवर क्राउड करते ही जा रहे हैं। सो दिस हार्मोन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इन देयर लाइफ साइकिल व्हेन दे चेंजेस फ्रॉम सॉलिटरी फेज टू ग्रिगेरियस फेज। सो ये जो प्रॉब्लम आई है, जो अटैक आया है, तो क्या ये सिर्फ इंडिया और अफगानिस्तान में हुआ, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में हुआ है? नहीं, ये जो मैंने डेटा लिया है वो वर्ल्ड बैंक का डेटा है, दैट वाज रिपोर्टेड इन लेट अप्रैल मंथ। सो उस टाइम तक 23 कंट्रीज़ हैव बीन अफेक्टेड एंड मोस्टली दे आर फ्रॉम द ईस्ट अफ्रीकन रीजन, नॉर्थ अफ्रीकन रीजन, द मिडिल ईस्ट एंड 3 आर इन द साउथ एशिया इंक्लूडिंग इंडिया। सो जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड एरिया है वो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, जिसमें मैंने पहले ही बताया कि जो सीड कंट्रीज़ हैं सोमालिया, इथोपिया, इरिट्रिया एंड जिबौती, और मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ जो कि ईरान, यमन, ओमान, सऊदी अरेबिया वगैरह हैं, और साउथ एशियन कंट्रीज़ जो हैं वो अफेक्टेड हैं। इथोपिया में इनफैक्ट 356,286 मेट्रिक टन का लॉस हो चुका था अप्रैल के एंड तक, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा डैमेज हो चुका है ऑलरेडी। सोमालिया में दिस इज़ द वर्स्ट लोकस्ट अटैक इन लास्ट 25 ईयर्स, इंडिया में इट इज़ वर्स्ट इन द लास्ट 26 ईयर्स, एंड केन्या में इट इज़ वर्स्ट इन द लास्ट 70 ईयर्स। सो ये जो अटैक है ये थोड़ा सा अनयूजुअल है, बहुत सालों से ऐसा कोई अटैक नहीं हुआ था। बहुत लोकस्ट अटैक होते थे बट दे वर मोस्टली लोकलाइज्ड, कुछ रीजन्स में हुआ करते थे, ऐसे ओवर द पीरियड मतलब एक प्रॉपर आप समझ लो कि 20% ऑफ जो वर्ल्ड एरिया है वो अटैक के दायरे में आ सकता है, तो ये एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। तो ये जो इतना मेजर अटैक है, इतना वर्ल्ड वाइड लेवल अटैक जो है वो बहुत सालों बाद ही हो रहा है।
इसमें बहुत सारी जो वर्ल्ड वाइड एजेंसीज हैं लाइक फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक. इनफैक्ट वर्ल्ड बैंक हैज़ अप्रूव्ड अ लोन ऑफ $500 मिलियन प्रोग्राम टू द अफ्रीकन एंड द मिडिल ईस्ट कंट्रीज, एंड फ्लेक्सिबल सपोर्ट हैव ऑल्सो बीन गिवन टू दीज कंट्रीज. एंड $13.7 million हैज़ बीन ऑलरेडी डिस्पर्स टू केन्या इन एमरजेंसी फंडिंग. सो ओवर द वर्ल्ड जो इम्पॉर्टेंट एजेंसीज हैं जो टैकल करती हैं ऐसे कंडीशन को, वो हेल्प देने के लिए आगे बढ़ चुकी हैं. तो ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट टाइम ही हो रहा है इतना बड़ा अटैक जो है, ये पहले भी हो चुका है हिस्ट्री में. एज ऑलरेडी मैंशन इजिप्ट में हो चुका है. एंड देन 1926-31 में जो प्लेग साइकिल आई थी, 1940-46 में, 1949-55 में जो प्लेग साइकिल्स आए थे, 50 लाख का लॉस हुआ था लास्ट लोकस्ट प्लेग साइकिल 1959 और 62 वाले में. एंड जो लास्ट जो इंडिया में जो मेजर लोकस्ट अटैक था वो था 1993 में इन राजस्थान एंड द भुज एरियाज ऑफ दी गुजरात. तो उस टाइम पे 310,000 हेक्टेयर एरिया जो था वो इफेक्ट हुआ था इंडिया में. बट उसके बाद करीब 26-27 सालों तक कोई भी ऐसा अटैक नहीं हुआ, मोस्ट वर द लोकलाइज्ड इन राजस्थान एंड गुजरात ओनली. सो 2020 का अटैक इसीलिए बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ गया क्योंकि ये बहुत ही बड़े लेवल पर है. सो अब हम ये तो देख चुके हैं कि ये अफ्रीकन रीजन में ओरिजिनेट हुए एंड दे क्रॉस द अरेबियन पेनिनसुला एंड मिडिल ईस्ट कंट्रीज एंड दे एंटर्ड इंडिया थ्रू पाकिस्तान. बट क्वेश्चन हियर अराइजेस दैट हाउ डिड दे माइग्रेट टू इंडिया एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वाई डिड दे माइग्रेट टू इंडिया इन सच लार्ज क्वांटिटीज. सो इसका बहुत सारा रीज़न है कि इंडिया में इस बार ही इतना बड़ा अटैक क्यों हुआ है. सो वन ऑफ द रीज़न इज़ इंडियन ओशन डाइपोल. अब इंडियन ओशन डाइपोल क्या होता है? ये हमारा इंडियन ओशन है एंड जो ईस्टर्न साइड है इंडियन ओशन डाइपोल के टाइम में क्या होता है, जो ईस्टर्न साइड होता है वो कंपैरेटिवली ठंडा होता है फ्रॉम द वेस्टर्न साइड एंड द वेस्टर्न साइड इज़ कंपैरेटिवली वार्मर, जिसकी वजह से यहाँ इस वाले एरिया में अफ्रीका वाले एरिया में ज़्यादा बारिश होती है. इनफैक्ट अरेबियन पेनिनसुला में भी ज़्यादा बारिश होती है. ओके सो जिसकी वजह से यहाँ पे एक ब्रीडिंग ग्राउंड यहाँ मिलता है. सेकेंडली इस बार मार्च और अप्रैल के महीने में यहाँ पे ज़रूरत से ज़्यादा बारिश हुई जिसकी वजह से इनका ग्रोथ जो हुआ वो यहाँ पे ज़्यादा हो गया. देन इट केम टू ईरान एंड दिस एरिया, ईरान अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान एरिया, वेयर दे अगेन फाउंड अनदर ब्रीडिंग ग्राउंड. तो यहाँ पे उनको एक अलग ब्रीडिंग ग्राउंड मिल गया बिकॉज यहाँ पे भी बारिश हो रही है, अनयूजुअल बारिश हो रही है. बट इंडिया में क्यों इन्होंने ट्रैवल किया, एक रीज़न और है, क्योंकि यहाँ पे भी रबी क्रॉप की कटाई हो चुकी है, हमारे वहाँ भी रबी क्रॉप की कटाई हो चुकी है. तो स्टैंडिंग क्रॉप नहीं है इन लोगों के पास, मतलब फीड करने के लिए लोकस्ट को वहाँ पे, इसलिए वो ठहर नहीं रहे वहाँ, इसलिए वो और ज़्यादा मूवमेंट कर रहे हैं, वो खाने की खोज में वो इंडिया तक आ गए हैं. सो इंडियन ओशन डाइपोल का ये पार्ट है. सेकेंड इज द विंड डायरेक्शन. अब विंड डायरेक्शन क्या है, इस टाइम पे वेस्टर्ली विंड्स आर ब्लोइंग. अब वेस्टर्ली विंड्स क्या होती है, जो 30-60 degrees नॉर्थ के एरिया में जो लैटिट्यूड है उसके एरिया के बीच में जो वेस्ट से चलती हैं, ये वेस्ट है जो वेस्ट से इंडिया की तरफ मूव कर रही हैं, दोज आर नोन एज वेस्टर्ली विंड्स. एंड विंड स्पीड इज फेवरेबल फॉर द लोकस दिस टाइम. इवन दो दे ट्रेवल इन एनी डायरेक्शन बट दे मोस्टली डू डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट एंड दिस टाइम दे आर ट्रेवलिंग फ्रॉम पाकिस्तान टू वेस्ट साइड, दैट इज इन टू द इंडिया. देन वन ऑफ द मेजर रीजन दिस टाइम इज क्लाइमेट चेंज ऑल्सो. दिस अनयूजअल रेनफॉल इन अफ्रीकन रीजन एज वेल एज इन द अरेबियन पेनिनसुला एंड द मिडिल ईस्ट रीजन, दिस इज बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज. एंड ऑल्सो इस टाइम पर क्या हुआ है कि बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज एक्सट्रीम रेनफॉल पाया गया इन एरियाज़ में. इसके साथ साथ साइक्लोनिक स्टॉर्म्स भी क्रिएट हुए. अरेबियन पेनिनसुला में वैसे इतने साइक्लोनिक स्टॉर्म्स क्रिएट नहीं होते हैं जितना
कुछ सालों में हो रहे हैं. तो स्ट्रॉन्ग साइक्लोन्स इन द अरेबियन पेनिनसुला इज़ वन ऑफ द रीज़न फॉर देयर एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्लीडिंग. सो साइक्लोन्स दैट डिस्पर्स द स्वाम्स आर गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड मोर फ्रीक्वेंट. दिस इज ऑल्सो वन रीज़न. सो क्लाइमेट चेंज इज़ वन ऑफ द रीज़न ऑफ हाई मूवमेंट ऑफ दीज स्वाम्स ऑफ लोकस्ट. सो दिस इज ऑलरेडी बीन एक्सप्लेन. इन मार्च एंड अप्रैल मंथ दीज लोकस्ट गॉट अ वेरी फेवरेबल कंडीशन इन ईस्टर्न अफ्रीका वेयर दे स्टार्टेड ग्रोइंग. और फिर ये आगे मूव करते रहे. सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि इस अटैक का क्या इफेक्ट पड़ेगा इंडिया पे. सो काफ़ी न्यूज़ चैनल्स में ऐसे आ रहा है कि लोकस्ट अटैक इज़ द एंड ऑफ ह्यूमैनिटी और समथिंग, एंड लोग ट्वीट भी कर रहे हैं ऐसा. बट फॉर द इंफॉर्मेशन आई शुड टेल यू कि लोकस्ट काटते नहीं हैं. दे डू नॉट बाइट एनिमल्स और दे डू नॉट बाइट अस. दे ओनली ईट प्लांट्स. सो और ये कि वो कुछ डिजीज़ कैरी करेंगे, तो टिल नाउ देयर इज़ नो एविडेंस दैट सजेस्ट दैट लोकस्ट कैन कैरी डिजीज़ दैट कुड हार्म ह्यूमन्स. सो एज सच नहीं है, डायरेक्ट अटैक तो वो नहीं कर रहे हैं हमें, पर इनडायरेक्टली वो हमें बुरी तरह अटैक कर सकते हैं. हाउ? दे कैन थ्रेटन अवर फूड सिक्योरिटी. सो इंडिया के केस में एक थोड़ी पॉजिटिव लकी बात ये है कि हमारी जो रबी की जो खेती है, जो रबी प्लांट्स हैं, वो कट चुके हैं. एंड खारिफ अभी हमने, अभी स्टैंडिंग क्रॉप खारिफ का है नहीं. तो खारिफ जो समर सीज़न में सो करते हैं हम, और रबी जो हम विंटर सीज़न में सो करते हैं. तो वो प्लांट्स अभी जो ये फेज़ है जहाँ पे ज़्यादातर जो खेत हैं वो खाली हैं, तो हमारा फूड सिक्योरिटी का जो क्वेश्चन है वो थोड़ा इससे सॉल्व होता है. बट स्टिल अभी भी एमपी में, इस थोड़े से भी स्केल में देखिए, एमपी में पल्सेस की खेती हो रही है. और एक्सपर्ट्स बिलीव दैट कि सिर्फ मध्य प्रदेश में मूंग की खेती का जो लॉस हुआ है वो 8,000 करोड़ का लॉस है. तो अगर इस अटैक को, इस लोकस्ट के स्वैम्स को रोका नहीं जाएगा और ख़त्म नहीं किया जाएगा, तो ये हमारे खरीफ क्रॉप को पूरी तरह डैमेज कर सकते हैं. और तब हमारे लिए बहुत ही बड़ी बेकार सिचुएशन आ जाएगी. जब हम COVID-19 से तो फाइट कर ही रहे हैं, हमारी इकोनॉमिक स्लो डाउन तो हो ही रखी है, और इसके साथ साथ हमारा जो स्टैंडिंग क्रॉप है, जो फूड क्रॉप है, वो भी ख़त्म हो जाए, तो दैट वुड बी अ वेरी वेरी ग्रिम सिचुएशन फॉर इंडिया. सो येस, दे डू नॉट बाइट, दे डू नॉट अटैक ह्यूमन्स डायरेक्टली, बट दे विल थ्रेटन अ फूड सिक्योरिटी. एंड अलॉन्ग विद दैट, फूड सिक्योरिटी ही नहीं, वाटर सिक्योरिटी भी वो थ्रेटन कर सकते हैं. हाउ? दे आर गोइंग टू क्लॉग अवर वेल्स एंड वाटर बॉडीज लाइक लेक्स एंड पॉन्ड्स एक्सेट्रा. एंड जिसकी वजह से वहाँ का जो पानी है वो कंटेमिनेट हो सकता है, जो वहाँ का जो फ्लोरा एंड फाना है उस वाटर बॉडी का, वो डिस्ट्रॉय हो सकता है. इसके साथ साथ क्लीनिंग एंड सैनिटेशन वुड बिकम अ वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर इंडिया. बिकॉज जब ही इनकी डेथ होती है तो ये काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में ऐसे ग्राउंड्स पे पड़े रहते हैं. इनफैक्ट रेलवे ट्रैक्स पे पड़ेंगे तो वो स्लिपरी हो जाएगी रेलवे ट्रैक्स उनकी, एंड दैट कुड कॉज डैमेज एंड एक्सीडेंट्स ऑल्सो. एंड सेकेंडली, इनका क्लीनिंग प्रोसेस बहुत ही ट्रबलसम रहेगा. हमें बहुत ज़्यादा कैपेसिटी बिल्डिंग करनी पड़ेगी सैनिटेशन एंड क्लीनिंग में. सो दीज आर द इफेक्ट्स विच कैन प्रोबेबली बी कॉज्ड बिकॉज ऑफ दिस लोकस्ट अटैक. एंड द नेक्स्ट इज़ कि अगर अटैक है तो हम कैसे इसे प्रिवेंट कर सकते हैं, और क्या हम क्योर कर सकते हैं. सो द प्रिवेंशन एज सच, देखिए इतना बड़ा, इतने ज़्यादा की तादाद में आ रहे हैं ये लोग, तो इनको ख़त्म करना बहुत ही, मतलब एक बड़ा टास्क होगा. और इनके पाथ को प्रेडिक्ट करना भी थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि दे डू नॉट फॉलो अ प्रेडिक्टेड पाथ. जैसे आर्कटिक टर्न या साइबेरियन क्रेन आते हैं तो उनका पता होता है कि यहाँ से यहाँ चलेंगे, बट इन लोकस का नहीं पता है. दे डू नॉट फॉलो प्रोबेबल पाथ. सो बट हाँ, विंड्स के डायरेक्शन को ध्यान में रखें. जैसे कि अभी देखा जा रहा था कि शायद दिल्ली में ही अटैक कर दें, क्योंकि विंड डायरेक्शन जो है वो उसी के, वहाँ के अकॉर्डिंग है. तो जो हमारे वेदर एक्सपर्ट्स हैं वो विंड डायरेक्शन को ध्यान में रखते हुए वो उनका पाथ प्रेडिक्ट कर सकते हैं. और उसके साथ साथ जो तैयारियां हैं वो पहले से ही
हम सेटअप कर सकते हैं। तो तैयारी क्या कर सकते हैं इसमें, छोटे लेवल पे होता है तो फार्मर्स क्या करते हैं कि वो थालियाँ बजा के या कुछ करके उनको हटाने की कोशिश करते हैं, बट ये इस लेवल पे है कि ये सारे वर्क छोटे मोटे सॉल्यूशंस तो काम करेंगे नहीं। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो एक कारगर तरीका यही है कि इंसेक्टिसाइड्स स्प्रे करें, पेस्टिसाइड्स स्प्रे करें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। सो मेलाथियोन इट्स अ इंसेक्टिसाइड विच इज़ यूज टू किल दिस लोकस्ट। एंड तो इसमें राजस्थान और एमपी की गवर्नमेंट जो है दे हैव स्टार्टेड यूजिंग ड्रोन्स ऑल्सो। सो ड्रोन्स का यूज़ कर रहे हैं वो स्प्रे करने के लिए। एक छोटी सी चीज़ इसमें जो अनयूजुअल है, जो जनरली लोकस जो होते हैं वो थोड़े ग्राउंड से थोड़े लेवल के ऊपर तक होते हैं, बट ये कंपेरेटिवली हायर लेवल पे ये ट्रैवल कर रहे हैं। तो बट ड्रोन्स का इस्तेमाल इसमें, इसलिए जो ग्राउंड लेवल वर्क होता है, ग्राउंड लेवल स्प्रेइंग होती है, वो थोड़ा सा कम कारगर है इसमें। तो ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, ड्रोन्स जो है वो उसके ऊपर ऊपर उड़ा के और तब स्प्रे किया जाएगा, जिससे क्लियर व्यू भी मिलेगा और हर्डल भी नहीं होगा उन्हें किल करने में। सो ड्रोन्स इज़ वन ऑफ द यूज़। सो इस इंसेक्टिसाइड्स स्प्रे करना, इसके साथ साथ ड्रोन्स में एक ऑडियो साउंड भी लगाया जा रहा है, जिससे ये जो लोकस्ट होते हैं वो डिसलोकेट हो जाते हैं, दे डिस्पर्स हियरिंग दिस साउंड। सो ऑडियो का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, द हमिंग साउंड विच कैन डिसलोकेट दीज स्वैम ऑफ लोकस्ट। सो दीज आर द प्रिवेंशन मेथड्स विच आर अप्लाइड टू गेट रिड ऑफ दिस प्रॉब्लम। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।